बीती रात्रि मंडी चौक निवासी जोगिंदर सिंह राणा और उसके एक जोगिंदर सिंह ने एक सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की गई और जाति सूचक गाली गलौज की, जिसके बाद सफाई कर्मचारी संघ में भारी रोष देखा गया और सफाई कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में कूड़ा एकत्रित कर उक्त व्यक्तियों के घरों के आगे ढेर लगा दिया। वहीं माहौल बिगड़ता देख आसपास के थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। साथ ही दोनों आरोपी जोगिंदर सिंह राणा और जोगिंदर सिंह बेदी के खिलाफ एसटी एक्ट और दूसरी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी जोगिंदर सिंह बेदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा आरोपी जोगिंदर राणा फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने के पुलिस लगातार दबिश दे रही है। घटना विकास नगर की है। आपको बता दें कि जोगिंदर सिंह बेदी के विरुद्ध 2 माह पूर्व भी एक वाल्मीकि समाज की महिला द्वारा भी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। मामला पूरा ये कि हमारे वाल्मीकि समाज से सफाई कर्मचारी, जो कि आपको पता है कि हर पूरे देश में सफाई का कार्य करते हैं, विकास नगर में भी इस तरह के हमारे वाल्मीकि समाज के लोग सफाई का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी सरकार की ये अपने ऑर्डर है कि नाइट ड्यूटी सफाई कर्मचारी करेंगे, उनकी सुविधा को देखते हुए सभी सफाई कर्मचारी रात को अपनी ड्यूटी करते हैं। उसी दौरान सफाई कर्मचारी के साथ निक्कू सरदार और बेदी सरदार ने अभद्र व्यवहार किया। अपनी ड्यूटी कर रहा था नाइट में, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी चल रही है। सर, मैं यहाँ पे मंडी चौक पे ड्यूटी कर रहा था बेदी सरदार के घर के सामने, मैं निक्कू सरदार के घर के सामने मैं झाड़ू लगा रहा था। मैंने भैया साइड हो जाओ, वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, कहने लगे यहाँ पे झाड़ू नहीं लगानी, यहाँ से निकल, सुबह आई हो। मैंने भैया ऐसा, मैं अपनी नाइट ड्यूटी में हूँ, आप मेरी शिकायत कर दो, ठीक है, खैर अभी तेरी यहाँ से ट्रांसफर करवा दूंगा। मैंने कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, आप बोल दो, पूरे शहर में नाइट में शिफ्ट चल रही है। उसके बाद कहता है कि मुझे अनसर्ट बोलने